हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लाइकेंस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि हम उसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, है ना। नेचर में अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो ह्यूमन के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि उनका हार्मफुल रोल भी क्या है, वो कहीं ना कहीं हमें अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने लास्ट वीडियोस में सारी चीज़ें पढ़ ली, लाइकन क्या होते हैं, उनका नेचर ऑफ एसोसिएशन कैसे होता है, उनका न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन की भी बात करी हमने, हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं। तो अगर लाइकन की बात करें तो लाइकन एज सॉइल फॉर्मर्स क्यों कहा गया है, कि ये जो है सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं इसको जानते हैं। जो फोलियोज लाइकन होता है, फोलियोज लाइकन यानी कि जो लीफ की तरह का स्ट्रक्चर होता है लाइकन का, लास्ट वीडियो में हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर उनके थैलस के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे देखा जाए तो फोलियोज, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज, ये सारे होते हैं टाइप्स। तो उसमें फोलियोज जो लाइकन है यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैज अ यूनिक कैपेसिटी ऑफ ग्रोइंग ऑन बेयर रॉक्स। उसकी क्या खासियत होती है कि वो बेयर रॉक्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रो करता है। क्रस्टोस लाइकन क्या होता है कि लाइकन एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो क्रस्टोस लाइकन है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड जो बन रही है वो क्या करती है, द कार्बोनिक एसिड करोड्स रॉक्स एंड फॉर्म सॉइल। ये एसिड क्या करती है, रॉक्स को करोड करती है यानी कि उसको ब्रेक डाउन करती है और क्या बनाती है, सॉइल का फॉर्मेशन करती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो लाइकन्स हैं ये क्या करते हैं, नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करके वो एसिड बना रहे हैं और उस एसिड से क्या हो रहा है, रॉक्स को करोड करके सॉइल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसलिए लाइकन्स को सॉइल फॉर्मर्स भी कहा जाता है, यानी कि वो सॉइल का फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। ठीक है, हमने एक इंपॉर्टेंस पढ़ी। नेक्स्ट आता है लाइकन एज फूड। लाइकन को फूड की तरह कैसे यूज किया जाता है, यानी कि हम कौन सा ऐसा लाइकन है जिसको खाते भी हैं। तो देखो लेकनोरा, लेकनोरा एक एग्जांपल है, इज ईटन बाय स्नेल, इंसेक्ट्स एंड टर्माइट्स। अब ये जो स्नेल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, टर्माइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, लेकनोरा को खाते हैं। लेकनोरा क्या है, एक लाइकन है, ठीक है, तो उसको एज अ फूड वो खा रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्लेडोनिया रैंजिफेरा, ये क्या है, एक फ्रूटिकोज लाइकन है, इज नोन एज रेंडियर कप लाइकन एंड इट इज अ फेवरेट फूड ऑफ रेंडियर। ये रेंडियर का फेवरेट फूड है, ठीक है, कौन सा, क्लेडोनिया रैंजिफेरा। नेक्स्ट आता है सेट्रारिया आइलैंड का, इज नोन एज आइलैंड लाइकन। इसको क्या कहा गया है, आइलैंड लाइकन ही नाम दे दिया गया है। क्यों दिया गया है, ईटन बाय ह्यूमन बींग एज सूप्स। ह्यूमन बींग हम लोग यानी कि सूप्स में इसे जो है यूज करते हैं एज अ सूप। इट इज मेड इनटू पाउडर एंड पाउडर इज यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट। ये पाउडर के फॉर्म में बनाया जाता है और वो पाउडर जो है क्या करता है, थिकनिंग एजेंट में हेल्पफुल है, यानी कि किसी भी चीज को थिक करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एंडोकार्पन मिनिएटम, इज यूज्ड एज वेजिटेबल बिकॉज इट हैज कार्बोहाइड्रेट नोन एज लाइकेनिन। एंडोकार्पन मिनिएटम को कैसे यूज किया जाता है, वेजिटेबल की तरह, मतलब उसको एज अ सब्जी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसका नाम है लाइकेनिन। नेक्स्ट आता है पार्मेलिया परलाटा। पार्मेलिया परलाटा क्या है, फोलियोज लाइकन है, फोलियोज लाइकन है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ स्पाइस, यानी कि मसालों की तरह यूज करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा कि कुछ लाइकन्स को हम एज अ फूड भी खाते हैं, ठीक है, तो वो देखो कितने हेल्पफुल हुए हमारे लिए। फिर उसके बाद एक और टॉपिक आता है कि लाइकन एज मेडिसिन। अब लाइकन हमारे लिए मेडिसिन, दवाइयों की तरह कैसे काम करता है, ये भी पढ़ते हैं। पेल्टीजेरा क्या है, एक लाइकन का एग्जांपल है, इज यूज टू क्योर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पहले तो समझें कि क्या होता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। जो लोग को पानी से डर होता है ना, जो लोग बहुत ज्यादा पानी को देखकर डर जाते हैं, एक फोबिया होता है, डर होता है, तो उन लोगों को हेल्पफुल, मतलब उस हाइड्रोफोबिया को क्योर करने में पेल्टीजेरा का यूज करते हैं। पेल्टीजेरा क्या है, एक लाइकन है, स्पेशली एज अ सिम्टम ऑफ रेबीज इन ह्यूमन। जब ह्यूमंस में रेबीज हो जाता है ना, किसी जो है एनिमल के काटने से रेबीज होता है, जैसे कुत्ता काट लिया है ना, मंकी ने काट लिया, तो रेबीज होता है। तो ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है, ये इसमें हाइड्रोफोबिया लोगों को होता है, यानी कि लोग पानी से डरने लगते हैं, है ना, तो रेबीज का सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया। तो उसमें कौन सा हेल्पफुल है लाइकन, पेल्टीजेरा। नेक्स्ट आता है उसनिया। उसनिया क्या है, उसनिया को एक और नाम से जाना जाता है, ओल्ड मैन्स बियर्ड लाइकन।
है ना, ओल्ड मैन बियर्ड्स की तरह जाना जाता है, यानी कि ये जैसे बियर्ड मतलब वो जो दाढ़ी होती नहीं है उसकी तरह जो है ये अपियरेंस में होता है, दिखाई देता है। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, इज यूज्ड इन वेट लॉस, वेट लॉस करना हो, कहीं पेन हो, फीवर हो, हीलिंग को वुंड को हील करना हो, तो इन सब में जो है उसनिया का यूज करते हैं। फिर उसके बाद उसनिया का और यूज क्या है, जब स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना हो तो उसमें उसनिया का यूज करते हैं, पोर्स को टाइटन करना हो है ना, एंड रिमूव लेफ्ट ओवर मेकअप, और जो मेकअप को रिमूव करना हो उसमें उसनिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, इट इज ऑल्सो यूज एज एस्ट्रिंजेंट इन हेमरेज, यानी कि जब बॉडी की इन साइड में बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होने लग जाए है ना, ब्लड जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलने लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसनिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है लुबेरिया, पल्मोनारिया एंड क्लेडोनिया, ये एग्जाम्पल्स हैं लाइकन के। इज यूज्ड इन डाइज, इनको कहाँ यूज किया जाता है, डाई बनाने में, टीज बनाने में, चाय की पत्ती जो चाय बनती है ना, चाय की पत्ती नहीं जो चाय बनती है उसमें यूज करते हैं। एंड ऑल्सो यूज इन लंग डिजीजे लाइक अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, और ये जो लंग डिजीजेज होती हैं इसमें भी उसमिया इसका लुबेरिया, पल्मोनारिया और क्लेडोनिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइकेंस हमारे मेडिसिन में भी जो है कितने हेल्पफुल है ना, हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। फिर आता है लाइकेन इन परफ्यूम्स, अगरबत्ती एंड धूप बत्ती, लाइकेंस को परफ्यूम बनाने में, अगरबत्ती बनाने में, धूप बत्ती बनाने में भी कैसे यूज करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एवर्निया प्रोनास्ट्री, ये एक लाइकन है, इज नोन एज ओक मॉस, इसको ओक मॉस के नाम से भी जाना जाता है, एंड यूज्ड इन मेकिंग हाई क्वालिटी परफ्यूम, और हाई क्वालिटी के जो परफ्यूम है उसमें जो है इसके यूज से उनको बनाया जाता है। ठीक है, लुबेरिया पल्मोनारिया एक लाइकन है, यूज्ड इन सोप्स, साबुन बनाने में यूजफुल होता है क्योंकि इट हैज इसेंशियल ऑयल, क्योंकि इसमें इसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हमने यहाँ पे दो एग्जांपल देखे जो कि क्या यूज कर किस में यूजफुल है, परफ्यूम्स बनाने में, सोप्स बनाने में, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब में, यानी कि जो फ्रेग्रेंस की जो बात आती है ना, स्मेल की बात आती है, तो वहां पे जो है लाइकन्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लाइकन यूज इन डाई, लाइकन्स का डाई बनाने में क्या यूज है, कैसे, रोशेला टिंक्टोरिया एंड लेकनोरा टार्टेरिया इज यूज्ड इन मेकिंग लिटमस पेपर, इन दोनों लाइकन्स को कहाँ यूज किया जाता है, लिटमस पेपर बनाने में। लेकनोरा, क्लेडोनिया, लुबेरिया, ये तीन लाइकन है जिनको यूज किया जाता है इन कलरिंग फैब्रिक्स, वुडन के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको कलर करने में लेकनोरा, क्लेडोनिया, लुबेरिया, इनको यूज किया जाता है, यानी कि हम क्या यहाँ पे यूज एज अ डाई, डाई बनाने में जो है कलर करने में लाइकन्स को यूज कर रहे हैं। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए कितने यूजफुल है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी है, ये कुछ ना कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं। तो हार्मफुल रोल क्या है लाइकन्स का, ये भी पढ़ लेते हैं। हार्मफुल रोल की बात करें तो सम लाइकन्स लाइक एम्फिलोमा एंड क्लेडोनिया, एम्फिलोमा और क्लेडोनिया जो है कैसे होता है, पैरासिटाइज ऑन मॉसेस, मॉसेस पे एज अ पैरासाइट रहते हैं और ये क्या करते हैं, मॉसेस की जो कॉलोनीज होती है उनका टोटल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से खराब कर देते हैं। ठीक, लाइकन्स लाइक उसनिया, अब उसनिया की बात करें तो उसनिया यूजफुल भी है और कहीं ना कहीं हार्मफुल भी है। हार्मफुल किस लिए है, क्योंकि ये क्या करता है, जब इसके जो होल्ड फास्ट हाइफे हैं वो क्या करते हैं, जो नीचे का होल्ड फास्ट होता है ना, जिससे ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम से, तो इसके जो हाइफे होते हैं वो क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं ना, अंदर घुसा करके, डीप इनटू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में अंदर घुस करके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी पूरी मिडिल लैमेला को और इनर कंटेंट, सेल के पूरे इनर कंटेंट को, मिडिल पार्ट को, इन सब को जो है पेनिट्रेट करके जाते हैं, ये होल्ड फास्ट के हाइफे जो है पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड कॉजिंग टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड, किसी भी चीज को, लकड़ी को हुआ, किसी भी चीज को का टोटल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्योंकि इसके जो होल्ड फास्ट हाइफे होते हैं वो पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो पूरी मिडिल लैमेला को खराब कर देते हैं और इनर कंटेंट, सेल के इनर कंटेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये हम हार्मफुल रोल देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट लाइकन्स, मेनली क्रस्टोस टाइप, जो क्रस्टोस वाले होते हैं, कॉज सीरियस डैमेज टू विंडो ग्लासेस और मार्बल्स, जो ओल्ड बिल्डिंग्स के स्टोन्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, यानी कि बिल्डिंग्स को कहीं ना कहीं क्रस्टोस टाइप के जो लाइकन है वो खराब कर रहे हैं, पूरी पूरी बिल्डिंग खराब हो जा रही है ना। नेक्स्ट आता है लाइकन्स लाइक लिथारिया वल्पिना, लिथारिया वल्पिना क्या है, हाईली पॉइजनस है,
पॉइजनस क्यों है? क्योंकि ये एक एसिड बनाता है, वल्पनिक एसिड। तो ये वल्पनिक एसिड जो है पॉइजनस सब्सटेंस होती है, इस लाइकन में प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ही पॉइजनस है, यानी कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो पूरे पॉइजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये कुछ रोल्स, हार्मफुल रोल्स हुए। तो आई होप कि यहाँ तक जो है हमारा लाइकन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, हमने उसके सारे टॉपिक्स को एक एक करके लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और हार्मफुल रोल भी पढ़ लिया। तो मुझे लगता है कि लाइकन वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम सोच रहे हैं कि स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो बीएससी का जो है हमारा एल्गी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लाइकन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब बात करेंगे हम लोग ब्रायोफाइट्स की। तो एक एक करके ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हम लोग देखेंगे डिटेल में। थैंक यू।